नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है करंट अफेयर जी के फॉर ऑल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। आज 10 मई 2018, आज जो है छत्रपति साहू जी महाराज की पुण्यतिथि है और कैफी आजमी जो महान शायर हुए हैं उनकी भी आज पुण्यतिथि है। चलते हैं आज के महत्वपूर्ण न्यू डिस्कशन पर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम। वीडियो पूरा जरूर देखें जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके और सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों। फर्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। केंद्र देश के जनजातीय जिलों में वन धन विकास केंद्रों का विस्तार करेगा। डिटेल से डिस्कशन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर में वन धन विकास केंद्र का शुभारंभ करने के बाद और जन धन वन धन तथा गोवर्धन योजनाओं को एकजुट करने के उनके आग्रह पर भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने देश के जनजातीय जिलों में वन धन विकास केंद्रों का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है। योजना के अनुसार ट्राइफेड गौड़ वनोत्पाद आधार बहुउद्देशीय वन धन विकास केंद्र स्थापित करेगा। यह 10 स्वयंसेवी समूहों का केंद्र होगा जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में 30 MFP एकत्रित करने वाले शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर MFP के मूल्य वृद्धि का जमीनी स्तर पर जनजातीय समुदाय को व्यवस्थित करना है। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। दिल्ली विधानसभा सिफारिश न्यूनतम वेतन दिल्ली संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। डिटेल से डिस्कशन करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित न्यूनतम वेतन में संशोधन कानून को मंजूरी दे दी है। विधानसभा में पारित न्यूनतम वेतन दिल्ली संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब दिल्ली में तय न्यूनतम मजदूरी नहीं देने वाले बिजनेसमैन पर कानून कार्रवाई करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में स्मार्ट सिटी की एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ। डिटेल से डिस्कशन करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्मार्ट सिटी मिशन को वास्तविक धरातल पर उतारने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी पाते हुए मध्य प्रदेश के 7 स्मार्ट सिटी शहरों के लिए देश के पहले एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का 8 मई 2018 को शुभारंभ किया गया। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रदेश के 7 शहरों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सागर का चयन किया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा आवास एवं शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भोपाल स्मार्ट सिटी विकास निगम लिमिटेड में एकीकृत नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने पहली एकीकृत स्मार्ट सिटी के CEO की संगोष्ठी का शुभारंभ भी किया। इसमें देश के 77 स्मार्ट सिटी के CEO शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ ऐतिहासिक परमाणु समझौते से अलग होने की घोषणा की। डिटेल से डिस्कशन करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2015 में ऐतिहासिक परमाणु समझौते से अलग होने की घोषणा की है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंधों पर हस्ताक्षर किए और दुनिया के अन्य देशों को ईरान के विवादास्पद परमाणु हथियार कार्यक्रम में सहयोग न देने की चेतावनी दी। यह समझौता अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में हुआ था और ट्रंप ने इसे बार बार अनुचित बताकर इसकी आलोचना की थी। ईरान ने अमेरिका के इस फैसले का विरोध करते हुए घोषणा की कि वह परमाणु ऊर्जा और हथियारों के लिए आवश्यक यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू करने जा रहा है। यह ऐतिहासिक परमाणु समझौता ईरान, जर्मनी, यूरोपीय संघ सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों के बीच जुलाई 2015 में वियना में हुआ था। ईरान की राजधानी तेहरान और यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। अमेरिका का तो आपको पता ही होगा, डोनाल्ड ट्रंप महान शख्सियत। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। भारत 15वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। डिटेल से डिस्कशन करते हैं। भारत 10 मई 2018 को शुरू होने वाले 3 दिवसीय 15वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन की नई दिल्ली में मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन का आयोजन एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट अपने सहयोगियों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से कर रहा है। इस शिखर सम्मेलन का विषय टेलिंग आवर स्टोरीज एशिया एंड मोर। इसका उद्देश्य प्रसारण और सूचना पर अपने विचार साझा करने के लिए एशिया में प्रसारकों को महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करना है। AIIB एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विकास के क्षेत्र में यह UNSCAP देशों की सहायता करता है। वर्ष 1977 में यूनेस्को के तहत इसकी स्थापना की गई थी, AIIB। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। क्रिस डेक्स ने आंकड़ों से सूक्ष्म एवं मझोले उद्यमों का विश्वास काफ़ी हद तक बरकरार रखने की पुष्टि की। डिटेल से डिस्कशन करते हैं। द्वितीय तिमाही क्रिस डेक्स सर्वेक्षण से पता चला है कि सूक्ष्म एवं मझोले उद्यमों MSE का प्रदर्शन अक्टूबर दिसंबर की तुलना में जनवरी मार्च 2018 में बेहतर रहा, जो विनिर्माण क्षेत्र के बढ़िया प्रदर्शन की बदौलत संभव हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं।
NABH निर्माण पहल के तहत हवाई अड्डा क्षमता में वृद्धि की जाएगी। डिटेल से डिस्कशन करते हैं। सरकार NABH भारत के लिए आधुनिक हवाई अड्डे निर्माण पहल के एक हिस्से के रूप में हवाई अड्डों की क्षमता के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। NABH निर्माण की तीन प्रमुख पहलू हैं, उचित एवं सामान्य भूमि अधिग्रहण, हवाई अड्डे के लिए दीर्घकालिक मास्टर प्लान एवं क्षेत्रीय विकास, सभी हितधारकों के लिए संतुलित अर्थव्यवस्थाएं। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। बिजनेस ऑप्टिज्म इंडेक्स में भारत छठवें स्थान पर। डिटेल से डिस्कशन करते हैं। कंपनियों के विश्वास सूचकांक ऑप्टिज्म इंडेक्स में भारत का इस साल पहली तिमाही में छठे पायदान पर आ गया है। एक वैश्विक सर्वे के अनुसार व्यापार को लेकर धारणा 4 साल में सबसे कमजोर होने के बीच भारत की वैश्विक रैंकिंग में गिरावट आई है। यह अध्ययन ग्रांट थोर्नटन वैश्विक व्यापार सर्वे द्वारा जारी किया गया है। इसके अनुसार भारत में व्यापार धारणा इस साल की पहली तिमाही में 2014 के बाद सबसे कमजोर रही है। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। और इस सूचकांक में शीर्ष 5 देशों की नाम है, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, इंडोनेशिया, नीदरलैंड और अमेरिका। भारत जो है छठवें स्थान पर। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित CSWRI वैज्ञानिक कौन है, नई भेड़ इंसेमिनेशन तकनीक विकसित की। डिटेल से डिस्कशन करते हैं। सेंट्रल शीप एंड ब्लू रिसर्च इंस्टीट्यूट CSWRI अबीकानगर राजस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नई लेप्रोस्कोप असिस्टेड इंसेमिनेशन वीर्य निषेचन तकनीक को विकसित किया है। यह लघु आक्रामक इनवेजिव लेप्रोस्कोपिक तकनीक है, जिसमें छोटे से चीरे के माध्यम से कठोर फाइबर ऑप्टिक लेप्रोस्कोप पेट में प्रवेश कराया जाता है। इसका उपयोग करके भेड़ के प्रजनन पथ को कैमरे के माध्यम से खोजा जाता है और जमा हुआ वीर्य गर्भाशय में पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से बहुत ही उत्तम तकनीक राजस्थान के वैज्ञानिकों ने खोज निकाली है भेड़ से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। गूगल ने IoT मंच के लिए एंड्रॉयड थिंग्स लॉन्च की। डिटेल से डिस्कशन करते हैं। अल्फाबेट इंक के गूगल ने एंड्रॉयड थिंग्स कोड नाम ब्रिलो लॉन्च किया है, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT उपकरणों जैसे कि स्मार्ट घरेलू उपकरणों और अन्य स्मार्ट मशीनों के लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक प्रकार है। एंड्रॉयड थिंग्स यह एंड्रॉयड आधारित एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म है, जिसे गूगल द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य कम शक्ति और मेमोरी कंस्ट्रेंड वाद्य इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT उपकरणों के साथ उपयोग किया जाना है, जो कि आमतौर पर विभिन्न माइक्रो कंट्रोलर यूनिट प्लेटफॉर्म से बनाए जाते हैं। इस प्रकार से आज का नोट डिस्कशन होता समाप्त। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी नोट डिस्कशन की है, रिवाइज करते हैं फास्टली और वीडियो को सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें। अभी थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दें, अपने अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे आपके दोस्तों का ही ज्ञान बढ़ेगा। फर्स्ट जो डिस्कशन किया, केंद्र देश के जनजातीय जिलों में वन धन विकास केंद्रों की विस्तार करेगा। नेक्स्ट, दिल्ली विधानसभा से पारित न्यूनतम वेतन संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी। राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट, और दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में स्मार्ट सिटी के एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, मुख्यमंत्री का तो आपको पता ही होगा शिवराज सिंह चौहान, आप राज्यपाल का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, अमेरिका ने ईरान के साथ ऐतिहासिक परमाणु समझौते से अलग होने की घोषणा की है। मैंने अभी आपको बताया था ईरान से संबंधित जानकारी, राजधानी और वहाँ के राष्ट्रपति, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको रिवाइज करें, फिर से आंसर दें। नेक्स्ट, भारत 15वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट, क्रिस डेक्स के आंकड़ों से सूक्ष्म एवं मझौले उद्यमों का विश्वास काफ़ी हद तक बरकरार रहने की उम्मीद। नेक्स्ट, NABH निर्माण पहल के तहत हवाई अड्डा क्षमता में वृद्धि की जाएगी। नेक्स्ट, बिजनेस ऑप्टिज्म इंडेक्स में भारत छठे स्थान पर। नेक्स्ट, CSWRI वैज्ञानिकों ने भेड़ इंसेमिनेशन तकनीक विकसित की है। आपको बताना है कि सर्वप्रथम जो भेड़ का क्लोन बनाया गया था उसका नाम क्या था और किन्होंने इससे संबंधित खोज की थी, आप कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी जरूर दें, क्योंकि सभी को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। डिस्कशन किया, जो गूगल ने IoT मंच के लिए एंड्रॉयड थिंग्स लॉन्च की। इस प्रकार से आज का न्यूज डिस्कशन होता है समाप्त। अच्छा लगे तो लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको और भी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।
धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जल बचाएं, पक्षियों को पानी पिलाएं और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। धन्यवाद दोस्तों।